वैसे तो भारत अब 2011 के बाद से पोलियो मुक्त है, लेकिन पोलियो की वायरस अभी भी कई देशों है और यह भारत में प्रवेश न करे इसके लिए सरकार लगातार देश से पोलियो को खत्म करने के लिए उपाय करती है और 0 से 5 साल के बच्चों को मुफ्त पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। इसी कड़ी के तहत आज मोगा के बस स्टेट पर मोगा के MLA डॉक्टर हरजोत कमल की अगुवाई में सरकारी अस्पताल की टीमों द्वारा पोलियो की बूंदे पिलाने का उपराला किया गया। इस मौके MLA डॉक्टर हरजोत कमल ने बताया कि सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जाते हैं और आज मोगा जिले में करीब 513 टीमें लगातार बूथों पर पोलियो की दवाई पिलाने का काम कर रही है और यही टीमें 2 दिन लगातार घर घर जाकर 0 से 5 साल के बच्चों को पोलियो की बूंदे पिलाएगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वालों जी भारत सरकार ते पंजाब सरकार दे सहयोग दे नाल पोलियो नू रेडिकेट करन वास्ते मुहिम चलाई गई है। उहदे तहत अज इत्थे मोगे जिले दे विच 513 टीमां बना के पोलियो दीआं बूंदां दा पिलाउण दा काम शुरुआत कीती गई है और इह मिशन है कि भारत दे विचों पोलियो नू बिल्कुल खत्म करना। इह हुण आखिरी हमला आ क्योंकि 2011 तो बाद कोई पोलियो का केस जिहड़ा आ वो सामने नहीं आया। सो मैं अपील करदा सारे लोगों को कि 0 तो लैके 5 साल के अपने बच्चों नू पोलियो दीआं बूंदां जरूर पिलाउण। अज इत्थे बूथ लगे हुए है, कल तो जिहड़े मुलाजम ने जिहड़े साडे सेवा करदे ने उन्होंने घर घर जाके बच्चों नू बूंदां पिलाउणियां। लोगों नू अपील है सहयोग जे तां कि भारत दे विचों जिहड़ा पोलियो आ उहनू बिल्कुल खत्म किया जाए। मोगा जिले दे विच किन्नियां टीमां बनाईआं गईआं ने? 513 टीमां दे नाल मोगे चों पोलियो खात्मा करन दी मुहिम चलाई गई।